रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के लिए जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है बैंकार्ड रिपेयर, उसके बाद आपका शोल्डर जाम हो जाता है। दोस्तों ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर सर्जरी के बाद शोल्डर जाम तो नहीं हो जाएगा, हम दोबारा सर्जरी बाद खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। तो दोस्तों सर्जरी के बाद शोल्डर जाम होने के चांसेस रहते हैं। अब पहले बात की जाए कि आखिर जो शोल्डर डिसलोकेशन है, रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, उसकी कौन सी सर्जरी होती है? तो दोस्तों रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन के अंदर, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हमारा शोल्डर जॉइंट है, इसमें जो हमारा ग्लिनोइड है उसके ऊपर एक लेब्रम रहता है जो इसको डीप करता है। जब पहली बार शोल्डर डिसलोकेट होता है तो लेब्रम यहाँ से फट जाता है, इसको बोलते हैं बैंकार्ट लीजन। जब ये फट जाता है तो हमारा शोल्डर बार बार में डिसलोकेट होने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे शोल्डर की हड्डी, हाथ की हड्डी को रोक पाए डिसलोकेशन से। इस कंडीशन में दूरबीन की सर्जरी करनी पड़ती है। दोस्तों दूरबीन की सर्जरी में कोई चीरा नहीं लगता, और उसमें हम इस तरह से एंकर्स लगाते हैं, और एंकर्स से जो धागे निकलते हैं उससे हम इस टॉर्न लेब्रम में उसको वापस सिल देते हैं। तो दोस्तों जब कन्वेंशनल मेथड से ये सर्जरी की जाती है तो एंकर के साथ हमारे धागे रहते हैं, ये धागे बने रहते हैं फाइबर वायर के। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो फाइबर वायर के धागे हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहते दोस्तों। तो जब आप ये सर्जरी करते हैं इसमें आपके हाथ को लगभग 4 वीक से लेके 6 वीक तक जाम कर दिया जाता है शोल्डर इमोबिलाइज़र के अंदर। शोल्डर इमोबिलाइज़र लगाने के बाद जब 6 वीक के बाद दिमोल हटाया जाता है, तब तक कंधे के जाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपका कैप्सूल टाइट हो जाता है। वहीं अगर हम आजकल मेडिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, अगर इसी सर्जरी को हम सूचर टेप या फाइबर टेप की मदद से करें, जैसे कि आप दूसरे डायग्राम में देख पा रहे हैं, इसके अंदर जो हमने लेब्रम है उसकी सर्जरी दूरबीन से करी है, पर उसमें धागे के बजाय हमने टेप लगाया है। ये चीज़ है सूचर टेप, और यहाँ जो सर्जरी में जो यूज़ किया है वो है फाइबर वायर। ये चीज़ है सूचर टेप या फाइबर टेप। तो दोस्तों सभी को मालूम है कि टेप वायर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है, वायर कई बार टिश्यू को काट सकता है, टेप टिश्यू को काट भी नहीं सकती। तो जब हम सूचर टेप या फाइबर टेप की मदद से नॉटलेस रिपेयर करते हैं बैंकार्ड सर्जरी, इसके अंदर आपके हाथ को जाम नहीं किया जाता दोस्तों, 15 दिन के अंदर आपका हाथ उठाने लग जाते हैं। इस वजह से आपका हाथ जाम नहीं होता, और 3 to 4 वीक्स में आपका हाथ पूरा खुल जाता है, जहाँ यहाँ इस सर्जरी के अंदर 6 सप्ताह तक आपका हाथ नहीं खोल सकते। इसीलिए इस सर्जरी के अंदर हाथ जाम होने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और आप बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटी में आते हैं जैसे कि आप पहले थे विद इन 3 to 4 वीक्स, मतलब 1 महीने के अंदर। तो दोस्तों अगर आपके एमआरआई में लिखा हुआ आया है कि आपको बैंकार्ट लीजन है, हिल सेक्स लीजन है, आपका कंधा बार बार में डिसलोकेट होता है, तो आप अपनी एमआरआई कराइए, और अगर आपने एमआरआई करा रखी है तो आप अपनी एमआरआई की रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दे रखा है, और मैं उसका फ्री ओपिनियन दूंगा कि सबसे बेस्ट कौन सी सर्जरी है आपके लिए, और क्या मैं उसको बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते।